दोस्तों जियो पेमेंट बैंक आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक इंडिया का नया बैंक। यहाँ पे ज्वाइन नाइन पे क्लिक, यहाँ पे आपका सिंपली प्रोसेस है जिस प्रकार से एयरटेल बैंक फोन पे का होता है। आपको सिंपली ले दोस्तों, आप एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जानते होंगे। एयरटेल जो है अपना एक पेमेंट बैंक लॉन्च किया है जिसमें आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल कर सकते हैं, सारा व्यवस्थाएं कर सकते हैं। लेकिन अब आपका जो है जियो भी जियो पेमेंट बैंक के नाम से आया है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो ध्यान से एक बार जानने की कोशिश करिएगा। इसके लिए मैं माई जियो एप्लीकेशंस को यूज करता हूँ। माई जियो एप्लीकेशंस को जैसे ही मैं इंस्टॉल करता हूँ तो जियो पेमेंट बैंक के नाम से आया है, जिस प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक आता है। मैं यहां से ऊपर स्क्रॉल करता हूं, आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ऑप्शंस एक आपका मिल जाता है बैंक का। यहां पे देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे एक बैंक का ऑप्शंस मिल जाएगा। जब आप बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहां पे शो करेगा जियो पेमेंट बैंक, वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक के नाम से, यानी जिस प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक होता है। इसमें कह क्या रहा है आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी सेविंग ऑनलाइन अकाउंट है जिस प्रकार से एयरटेल बैंक के फोन पे है, गूगल पे है। यहाँ पे बोल रहा है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी इसमें अधिक से अधिक बैलेंस का रिक्वायर्ड नहीं है, और नो हिडन चार्ज, आपका चार्ज भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा और आप जो है पेमेंट सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, इसको मैं लेट्स गेट स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने मैं देख सकता हूँ, प्लीज़ सिलेक्ट द नंबर विच इज लिंक योर बैंक अकाउंट। ये बोल रहा है कि आपका जो नंबर बैंक अकाउंट में लिंक है, मेक श्योर टू नंबर टू सेलेक्ट ए लिंक योर बैंक अकाउंट SMS के लिए। तो मैं यहाँ पे मेरा एयरटेल का बता रहा है और पहला जियो का, तो मैं जियो के लिए प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के लिए ये सेंडिंग ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल वेरिफिकेशंस ले लेगा, यानी आपका जो भी नंबर लगा रहेगा फ़ोन में वेरिफिकेशंस ले लेगा, यानी ये भी देखिए सक्सेसफुली वैलिड हो गया है। और यहाँ पे इस प्रकार से पिन आएगा, इंटर पिन और कंफर्म पिन। आपको 4 डिजिट का जो है पिन तैयार करना है, जिस प्रकार से आपका जो है एयरटेल पेमेंट बैंक है उसी प्रकार से ये आपका तैयार हो जाएगा। मैं तैयार होकर आपको दिखाता हूँ। अब आपको पिन 4 डिजिट का करने के बाद यहाँ से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका पिन जो है पूरी तरह से बन गया है। और यह एम पिन मांग रहा है वैलिडेशन के लिए कि आप क्या अपना जियो का एम पिन बनाने की कोशिश करते हैं। 4 डिजिट का जो है पिन भी बन गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जियो पेमेंट बैंक के नाम से आ चुका है। यहाँ पे क्नो माई जियो बैलेंस बेटर के नाम से आ गया, तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा बन गया है। यहाँ से आप सेंड मनी भी कर सकते हैं, यानी सेंड मनी कर सकते हैं। यहाँ पे आप शॉप कर सकते हैं, यानी शॉप भी कर सकते हैं। प्रोफाइल ये आपका दिखाई देगा, ये आपकी पासबुक हो जाएगी, ये आपका रिचार्ज हो जाएगा, ये आपका बिल हो जाएगा, ये मोबाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा, सारा ऑप्शंस एयरटेल पेमेंट बैंक जैसा आपको दे रखा है। यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल कर सकते हैं।